दोस्तों, हम सभी को हमारे देश की तीनों प्रकार की नाओं से प्यार है, चाहे फिर वो कठिन थल सेना हो, महान नौसेना हो या फिर आसमान पर राज करने वाली वायु सेना हो। हालांकि जब युवाओं के बीच किसी एक सेना को चुनने की बात आती है तो यह एक कठिन काम हो जाता है। आज हम तीनों सेनाओं की बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको यह तय करने में मदद करेगा कि कौन सी सेना आपके लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि ये तीनों दूसरे से कैसे अलग हैं। हालांकि अधिकारियों द्वारा प्राप्त बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण में सभी तीनों सेना लगभग एक समान हैं, लेकिन वे अपने ऑपरेशनों में काफी अलग हैं। थल सेना मुख्य रूप से भूमि आधारित सैन्य अभियानों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। एक सेना अधिकारी को बहुत ही चुस्त होना होता है और उसे कठिन परीक्षण के समय में दृढ़ संकल्प से काम लेना पड़ता है। किसी भी प्रकार की जलवायु, चाहे वो गर्म हो, शुष्क हो या फिर नम हो, उसे हमेशा अपने राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। नौसेना पर हमारे महासागरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जिसकी हमारी नौसेना बड़े मुस्तैदी से निगरानी करती है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को लंबे समय के लिए सेलिंग एवं जहाज पर यात्रा करने के लिए तैयार होना चाहिए। साथ ही उसमें समुद्री जीवन से निपटने के लिए पर्याप्त दृढ़ता होनी चाहिए। वायुसेना हमारे आसमान का राजा है। जैसा कि एक लड़ाकू विमान उड़ाने का हम में से बहुत से युवाओं का एक सपना होता है, एक वायुसेना अधिकारी बनना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी भी जलवायु में किसी भी ऊंचाई पर विमानों को उड़ाने के लिए साहस और दृढ़ता होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी तीनों सेनाओं में ऑफिसर्स और जवान होते हैं और तीनों ही सेना अपने राष्ट्र के हित में सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन उनके काम एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। जो अगर आप थल सेना ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे देश में घूमने का अवसर मिलता है और यहाँ तक कि आपकी कश्मीरी घाटी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे दूर दराज स्थानों पर भी तैनाती होना आम बात है। जबकि नौसेना में आप उड़ीसा, गोवा, केरल आदि जैसे तटीय राज्यों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और वायुसेना में आप देश भर के बहुत रणनीतिक स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि आदमपुर, पंजाब, जामनगर, गुजरात आदि। इसके अलावा सेना में आपको टैंक, तोपखाने और कुछ नाजुक मशीनरी के संचालन का अवसर मिलता है। नौसेना में आप समुद्री जीवन को तलाशने का अवसर का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आप एक गोताखोर या फिर समुद्री कमांडो भी बन सकते हैं। वायुसेना का जीवन साहस से भरा होता है। न केवल आप आसमान में उड़ते हैं, बल्कि आप विशेष प्रशिक्षण आदि भी लेते हैं, और साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीले रंग की यूनिफॉर्म एयरफोर्स के युवाओं पर ऊपर बहुत जचती है। दोस्तों, तीनों रक्षा बल हमारे देश की आंखों में रोशनी के समान है। इनके साहसी जवान 24 घंटे काम करते हैं ताकि वे हमें और हमारे देश को किसी भी प्रकार के खतरे से बचा सके। दोस्तों, जो अगर देखा जाए तो इनमें चयन यानी SSB द्वारा सिलेक्शन प्रक्रिया तीनों सेनाओं के लिए लगभग एक ही जैसी होती है, पर यह एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने रुचि और हित के हिसाब से सही सेना का चयन करें। किसी एक सेना को चयन करने से पहले आपको अपनी पसंद, नापसंद, शारीरिक और मानसिक शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी बलों के शारीरिक क्षमता के मानदंड। दोस्तों, जो अगर आप सेना के माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको बताए गए सभी मापदंडों पर विचार करके आप अपनी मनपसंद की सेना में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे नौकरी से जुड़े वीडियोस फ्री में मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।